हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसके बोर्ड के एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए बच्चे ध्यान से देखेंगे। सब बच्चे देखो बेटे, हमारा आज का क्वेश्चन है सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन। ये दोनों मेडिसिन है, सिमेटिडीन तथा रेनिटिडीन। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में श्रेष्ठ प्रति अम्ल क्यों है? क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सिमेटिडीन और रेनिटिडीन ज्यादा अच्छे एंटासिड क्यों हैं? ये दोनों तो बेटे, अब इस बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने एक तरफ तो लिखे हैं दोनों दवाइयां, दोनों मेडिसिन, सिमेटिडीन और रेनिटिडीन, और एक तरफ लिखे हैं ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों के बीच में हमें कंपैरिजन करना कि इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा एंटासिड है। एंटासिड का आपको पता ही है, प्रति अम्ल का, कि जब हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम जिस दवाई का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं एंटासिड या प्रति अम्ल। तो चलो इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं हम कि ये टेबलेट लेने ज्यादा अच्छे हैं या फिर आप बाइकार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड लोगे तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा, इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो इन्हें समझने के लिए थोड़ा सा हमें मैकेनिज्म या क्रियाविधि समझनी पड़ेगी कि हमारे पेट के अंदर एसिडिटी क्यों होती है। तो बेटे सब ध्यान से देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर एक रासायनिक पदार्थ निकलता है और उस रासायनिक पदार्थ का नाम है हिस्टेमिन। हिस्टेमिन एक केमिकल है और बेटे हिस्टेमिन आमाशय की दीवारों में जाता है। हिस्टेमिन कहाँ जाता है बेटे? आमाशय की दीवार, आमाशय की दीवार में पहुंचा हिस्टेमिन। और वहां आमाशय की दीवार में कौन सी ग्रंथियां हैं? जठर ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां होती हैं बेटे आमाशय की दीवार में? जठर ग्रंथियां। तो क्या होगा? होगा ये कि हिस्टेमिन एक रासायनिक पदार्थ है, आमाशय की दीवारों में गया और आमाशय की दीवारों में क्या है? जठर ग्रंथियां। तो हिस्टेमिन ने जठर ग्रंथियों के साथ इंट्रैक्शन किया, यानी कि अन्योन्य क्रिया, या यूं कह दो कि हिस्टेमिन ने जठर ग्रंथियों को स्टिमुलेट कर दिया, प्रभावित कर दिया कार्य करने के लिए। तो बेटे जठर ग्रंथियों से एक एंजाइम निकलेगा जिसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है बेटे? पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम। तो ये जो पेप्सिन निकलेगा, पेप्सिन निकलने के कारण क्या होगा कि जो हमारा आमाशय के अंदर विलयन है, आमाशय माने पेट या स्टोमक, आमाशय का विलयन जो है बेटे, आमाशय का विलयन कैसा हो जाएगा? आमाशय का विलयन अम्लीय हो जाएगा, यानी कि एसिडिक नेचर उसका बढ़ जाएगा। आमाशय का विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय। और यदि आमाशय का विलयन अम्लीय हो गया तो हमारे अंदर, हमारे पेट के अंदर जलन होगी और उस जलन को ही कहते हैं अम्लता या एसिडिटी। अम्लता कह दो या फिर आप कहो एसिडिटी। तो हमें किसका अनुभव होगा? जलन का। हमारे पेट में जलन होगी, एसिडिटी होगी। ठीक है, आपकी एज तो कम है अभी, आपको तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती नहीं होगी, पर जब एज बढ़ती जाती है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है बहुत ज्यादा, क्योंकि एसिडिटी उन आदमियों को ज्यादा होती है जो जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जिनके जिंदगी का एक ही मकसद होता है, करना ना धरना, बस भरना ही भरना। तो जो भरने के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं उनको एसिडिटी होने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटे, तो देखो जरा, हमने यहाँ जल्दी से पढ़ा कि हिस्टेमिन, हिस्टेमिन एक रासायनिक पदार्थ है, वो आमाशय की दीवारों में गया और आमाशय की दीवारों से कहाँ गया? जठर ग्रंथियों में। और जठर ग्रंथियों से क्या निकला? पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। पेप्सिन ने क्या करा? आमाशय के विलयन को क्या कर दिया? अम्लीय। और जब विलयन अम्लीय हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तो हमें एक प्रॉब्लम होगी, एक जलन होगी, जिसे हम कहते हैं अम्लता या एसिडिटी।
इसका रीजन ये है कि विलयन क्या हो गया, अम्लीय हो गया, बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। अब ऐसा होने पर क्या होगा, या तो आप इन्हेलोगे मेडिसिन, यदि आप सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो ये बेटे क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे, यहाँ यहाँ अटैक करेंगे, ध्यान से समझते रहियो। इनका अटैक यहाँ होगा, यानी कि जब आपका विलयन अम्लीय हो गया है तो उस अम्लीय विलयन के कारण अम्लता उत्पन्न हुई है, यानी कि सॉल्यूशन एसिडिक हो गया है, तो एसिड को खत्म करने का काम करेंगे ये। जितना एसिडिक बनता रहेगा विलयन, उतना ही ये काम उसे क्या करेंगे, उसके एसिडिक नेचर को खत्म करेंगे, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बेस हैं, बेस सोडियम बाइकार्बोनेट का भी बेसिक नेचर है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी बेसिक नेचर है। ये जो लास्ट में बना एसिड, विलयन एसिडिक हुआ, उन पर अटैक करके इसे, इसके प्रभाव को खत्म करेंगे, इसका पीएच मान बढ़ाएंगे। पर बेटे यदि सिमेटिडीन या रेनिटिडीन यूज करोगे तो सिमेटिडीन या रेनिटिडीन का काम है सीधा यहाँ अटैक करने का। सिमेटिडीन या रेनिटिडीन हिस्टेमिन पे अटैक करेंगी और हिस्टेमिन को कहेंगी कि जरा अपना हाथ हल्का रख, ज्यादा आमाशय की दीवारों से कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और या फिर ज्यादा जठर ग्रंथियों को स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों टैबलेट ज्यादा अच्छी हैं क्योंकि ये कारण पर ही प्रभाव डालती हैं, जबकि ये आपके बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ऐसे हैं कि जब बिल्कुल अल्टीमेट प्रोडक्ट बन गया, जब आपका सारा काम खत्म हो गया तो उसके बाद ये काम करेंगी यहाँ, और सिमेटिडीन और रेनिटिडीन काम करेगी सीधा कारण पे। ठीक है, तो इनका दोनों का एक्शन अलग अलग है। इनका एक्शन ऐसा है कि जैसे कहीं चोरी होगी या कहीं डकैती होगी, उसके बाद पुलिस आई, ठीक है, अब तो चोर उठा लेंगे सारा। और इनका काम ऐसा है जैसे सिक्योरिटी होती है, ये सिक्योरिटी की तरह काम करेंगे। तो बेटे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर आप लिख लो पोज करके। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा आज का क्वेश्चन। बोर्ड के एग्जाम में आने के इसके बहुत ज्यादा चांस है, आप ढंग से इसे पढ़ के जाओगे और ऐसे ही लिख दोगे आंसर लैंग्वेज बना के। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मैं एक नए क्वेश्चन के साथ आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।